एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अदर ब्लॉग्स। आज छठ पूजा है तो मैं घाट पे जा रहा हूँ, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल घर से तो निकला हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड, ये कुलेरी है, ये पूरा कुलेरी है, जितना है गवर्नमेंट का कुलेरी है पूरा। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ घाट पे, क्योंकि आज छठ पूजा है ना, तो मैं वही घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, क्या होता है कैसे होता है दिखाता हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल रास्ते में सब चल कर, अभी घाट पे पहुंचेंगे तो दिखाता हूँ। महापर्व है, महापर्व सभी को मनोकामना को के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचौनिया भी कहा जाता है बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं में पूजा का प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, पांच प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रख कर घर का पुरुष अपने हाथ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ का गीत गाते हुए, जो कि मटर की तरह होता है और हल्का हरा छोटा दाना होता है, जो ठोकरे में वो अर्पण करने के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वही घाट की रक्षा करते हैं, देते हैं और छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर कुछ लोग घर वापस आ जाते हैं और उसे देवकरी में रखते हैं। चौथे और अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की तरह निर्माण सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बहुत क्राउड है, रश है। हाँ, लेकिन एक है कि ये बिहार का जो है बहुत बड़ा पूजा है, जो जितने भी बिहार के रहने वाले लोग होते हैं वहाँ से मनाते हैं, और ये बंगाल में जो कुछ लोग हैं बिहार के, वो लोग यहाँ पे मनाते हैं छठ पूजा। ये बंगाल में भी कुछ बिहारी लोग हैं जो यहाँ लोग मनाते हैं कंपल्सरी। जितने सब बिहार में तो सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ा पूजा है, और बहुत साफ सफाई के साथ मनाया जाता है, पाक साफ के साथ, बहुत मतलब बहुत थोड़ा भी गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत पाक साफ रहना चाहिए, मतलब पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए। वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, और देख आगे का व्यू आपको हम दिखाएंगे क्या है कैसा है। ये कल सुबह तक रहेगा, ये सुबह तक पूजा रहता है, सुबह तक मॉर्निंग का भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहे कंटिन्यू। अभी पूरा खाली हो गया घाट, क्योंकि जितने थे पूजा करके सब घर पे गए। अभी सुबह में वो आएंगे, फिर सुबह में पूजा करेंगे वो, चार पांच बजे मतलब सूरज निकलने से पहले आ जाते हैं यहाँ पे, तब उन लोग पूजा करते हैं। अभी तो पूरा खाली हो गया है, अभी सब खाली हो गया है। अभी जा रहे घर पे, फिर सुबह आते हैं, फिर सुबह देखते कैसा क्या होता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फिर कैसा होता है थोड़ा देखूँ मैं घाट पे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है मैं आया हूँ, मैं कभी देखा नहीं कैसा क्या होता है पूजा, तो वही घाट पे मैं आया हूँ। मुंबई में मैं देखा था, मुंबई में जुहू में होता है, तो मुंबई में मैं देखा था, बट वहाँ तो इतना गर्दी है कि देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा गर्दी होता है वहाँ, भीड़ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आया।
चलते हैं ब्लॉग पे, बने रहिए। हाय गाइस, सुबह के 4 बजे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आया था मैं घाट के ऊपर, शाम को फिर तुरंत 1-2 घंटे बाद मैं सो गया क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। अभी सुबह के सुबह 4 o'clock हो रहा है और अभी मैं घाट पे जा रहा हूँ। अभी फ्रेंड ने कॉल किया है मुझे कि चलो, अभी पूरा अंधेरा है, लेकिन पूरा अंधेरा है, बहुत मुश्किल से नींद खुल रहा था क्योंकि आदत नहीं है इतने सुबह उठने का ना, तो नींद खुल ही नहीं रहा था मेरा। तो उन्होंने कॉल किया तो मैं तुरंत उठा, फ्रेश हुआ, अभी चल जा रहा हूँ घाट पे। अभी पूरा अंधेरा, अभी तो सूरज निकला भी नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा। तो अभी जाते हैं घाट पे, देखते क्या होता है। शाम का तो नजारा देखे ही है, अभी देखते हैं सुबह में कैसा क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं। बने रहे वीडियो में, और न्यू है तो चैनल पे, न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। चलिए वीडियो में बने रहिए, क्या होता है देखते हैं घाट पे। इस वक्त पूरा रोड खाली है, पूरा दिख रहे, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। अभी जा रहा हूँ चलकर मैं घाट पे, पूरा रोड सन्नाटा है, पूरा सराउंडिंग दिख रहे, पूरा सब कुछ बंद। अभी सनसेट होने में काफी टाइम है, 1-2 घंटा हुए, 6-7 बजे सनसेट पूरा होता है यहाँ पे, अभी तो काफी टाइम है, देखते हैं क्या होता है। काफी ढोल बाजा के साथ में लोग जाते हैं, पूरा ढोल बाजा वगैरह सब। सुबह के मॉर्निंग में जब घाट पे जाते हैं, लाइटिंग मीटिंग से जाओ भाई। शाम से ज्यादा तो सुबह में मुझे ऐसा लग रहा है, सुबह में बहुत ज्यादा लाइटिंग और बाजा ढोल वगैरह सब के साथ में वो घाट पे जाते हैं हम लोग, बहुत लेकिन अच्छा लग रहा है। और मॉर्निंग का टाइम एकदम फ्रेश हवा, ठंडा तो बहुत ज्यादा लग रहा है, उठने को नहीं हो रहा है, इतना ठंडा है कि उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा है जो भी है। अभी तो घाट पे तो शायद बहुत भीड़ भी रहेगा, देखते हैं। करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, मैं ऐसा व्यू कैप्चर कर लिया हूँ, आप व्यू देखो। ब्लॉगिंग करने में बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि साउंड काफी ज्यादा है, इधर पे म्यूजिक बज रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है।
बैकग्राउंड में इतना साउंड आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है ना, कि उसके वजह से ब्लॉगिंग का आवाज नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ताकि आवाज नहीं जा रहा है। ये म्यूजिक ताजा ढोल इतना बज रहा है ना, बहुत अच्छा भी लग रहा है मॉर्निंग का टाइम है, और शाम से ज्यादा मुझे, शाम में जितना था उससे ज्यादा मुझे अभी मॉर्निंग में लग रहा है। बहुत धूमधाम से डीजे ताशा, कितने लोग मतलब जिनका जैसा है कैपेबल, जिनके पास जो जैसा कर सकता है वैसा कर रहा है, जिनके पास पैसे है वो ढोल भी लेके आ रहे हैं, डीजे लेके आ रहे हैं, वैसे जा रहे घाट पे, बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग का टाइम। अभी तो मैं चाय पिया हूँ जस्ट अभी, देखते हैं आगे, क्योंकि वहाँ घाट के पास जो है ना जाने पे ना वहाँ पे ब्लॉगिंग का बिल्कुल आवाज नहीं आएगा, ब्लॉग करेंगे ना आवाज नहीं जाएगा, वॉइस नहीं जाएगा मेरा पूरा, क्योंकि म्यूजिक ताशा ये बज रहा है आपके बैकग्राउंड में, जा ही रहा है आवाज। मिलते हैं, देखते हैं आगे। लाइटिंग इतना अच्छा लग रहा है ना, जो नदी के साइड साइड में जो लाइटिंग किया है ना, बहुत पूरा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। ये देखो स्पीकर लगा कर सॉन्ग बजा रहा है छठ पूजा का, मंगलसूत्र है स्पीकर नहीं है। बैक साइड का भी दिखाता हूँ धीरे धीरे, जैसा टाइम जैसा बढ़ रहा है ना वैसे ही सूरज है ना करीब आ रहा है हमारे दरमियान करीब आ रहा है। अभी देखते बैक साइड का दिखाता हूँ मैं दूसरी जगह। सूरज निकल रहा है धीरे धीरे, सूरज निकल रहा है, अभी तो बहुत अंधेरा था लेकिन बहुत उज्वाला हो गया, बहुत हाइट आ गया, अभी सूरज निकल रहा है धीरे धीरे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं पहली बार लाइफ में आया हूँ घाट पे, पहली बार। ऐसे मुंबई में तो मैं जुहू पे जाता था पहले जब छोटा था, थोड़ा सा एक दो बार वहाँ गया था, लेकिन ये कलकत्ता साइड में ना पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ घाट पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो जो सूरज निकल रहा है ना और वो ठंडक फ्रेश, बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
पूरा सूरज आधा तो निकल गया है, देखिए आपके सामने बैक साइड। पूरा भी सनसेट हो गया है, देखिए निकल रहा है सूरज, कैमरे पे बराबर आ नहीं रहा है, आ रहा है। हो गया ऑलमोस्ट तो आधा हो गया सनसेट। सब जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक पूजा नहीं होता है, पूरा सूरज जब निकलते है तब इन लोग फिर पूजा करते हैं वो नदी में। तापस में बोल देते हैं अभी सब, जब सूरज निकलेंगे तो नदी के बीच में जाएंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे, बीच में जाकर वो नहाते हैं फिर उसका पूजा करते हैं, जब सूरज निकलता है तब देखते क्या होता है। मैं भी फर्स्ट टाइम वो देख रहा हूँ, इस वक्त अभी सब पूजा खत्म हो गया है तो अभी घर पे जा रहे हैं। कहाँ यार, आदमी रह गया। ये देखो एक महारथी को देखो ये क्या कर रहा है, अभी घर पे जा रहे हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सबका पूजा खत्म हो गया है और सब धीरे धीरे अभी घर पे ही जा रहे हो, पूरा घाट अभी धीरे धीरे खाली हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठंडा लग रहा है पूरा। धोखा दे दी, चलिए अभी चलते हैं, सब कुछ हो गया, सूरज तो निकल गया, अभी 6:30 हो गया, 6:30 बज गया है अभी। भीड़ कम हो रहा है, जितना पहले भीड़ था ना उतना भीड़ नहीं, अभी कम हो रहा है भीड़ धीरे धीरे, क्योंकि सब पूजा करने के लिए घर पे जा रहे हैं ना। सभी से अनुरोध है कृपया करके थोड़ा थोड़ा प्रसादी हमारे ट्रेन में भी देखे था। जरूर जरूर जरूर। इस समय रास्ते में है, घर जा रहे हैं, घाट से निकल गए हम लोग, ठंडी लग रहा है इनको क्योंकि वो नहाए तालाब में, पूरा ठंडा ज्यादा लग रहा है। हाँ अच्छा, पैर जैसे ही डाले तो उस समय कैसा लग रहा था? पूरा ठंडा ठंडा ठंडा, वो ठंडा तो है, मुझे तो और ज्यादा लग रहा है क्योंकि आदत नहीं है रहने का, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई में तो इतना ठंडा नहीं होता है, रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है, तो और अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठंडा इतना एकदम हिल रहे हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को इंट यहाँ पे ही करते हैं खत्म, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलता हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें जरूर, वीडियो शेयर करें, तब तक के लिए बाय बाय।